माफ कीजिए, जिंदा रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है। रफीअता, आपने कह दिया और फांसी दे दी गई, ऐसे चलता है क्या देश का कानून? आपने कहा फांसी दे दी गई। देखिए यहाँ टीआरपी मत बटोरिए, यहाँ टीआरपी मत बटोरिए। मेरी दो बेटियां, मेरा बेटा है सर, मेरा बेटा है। मुझे ज्यादा डर है कि आज अब ब्रिंगिंग में उसके मैं वो वक्त दूंगी, मैं वो अपनी भावनाएं उड़ा लूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा आगे चल के फला फला बने। और अगर वो कहीं इस तरह का कोई कांड करता है तो सबसे पहले उसकी माँ को खड़ा होना चाहिए कि मैंने इतने साल दिए। बेटियां बेटियां मत बोलिए सर यहाँ कि मेरी दो बेटियां, अगर सोचा होता ना तो आपकी भी सरकार रह चुकी है और आप उस वक्त ये कानून बनाते। आज ये इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए सर, आज मैं खुद महिला हूं और अंदर तक बिल्कुल बिल्कुल व्यथित हो चुकी हूं कि हो क्या रहा हमारे समाज में, क्यों इसको मजहबी रंग देते हैं, क्यों इसको पार्टी पॉलिटिक्स बनाते हैं। प्लीज रफीअता, आई वॉन्ट अलाउ यू, आई वॉन्ट अलाउ। आप ऐसे इस तरीके से सबकी बात सुनिए पहले, पहले थोड़ा सा जिगरा रखिए सर, जिगरा रखिए, ये मर्द की मानसिकता मत रखिए और ये मत कार्ड प्ले कीजिए कि मेरी दो बेटियां हैं, मेरा बेटा है। फिर भी मुझे चिंता है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे की वजह से कोई बेटी सेफ नहीं हो सकती है। क्या ये सब मर्द कहेंगे कि हाँ हम गारंटी लेते हैं तुम चलो रात के 3 बजे तुम सुरक्षित हो? कौन करता है रेप सर, कौन करता है? बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सर, आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए। खुद मुहिम चला रही हूं इसलिए थक चुकी हूं मैं।